हमारे जो इमाम हजरत हैं, आज मुझे इस बात का बहुत जब दुख होता है इस बात को सुनकर कि जो हिंदुस्तान में 5.5 लाख मस्जिदें हैं, मस्जिद हमारी ऐसी जगह है जहाँ से हमारे सारे मामला चलते हैं, हम वो इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनको अगर आप सुन लें तो बहुत आपको हैरानी होगा। रहीम नहमद रसोल करीम अहमद असलकम वरहि वरक। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं आपके सामने इस बात को बता रहा हूँ कि आज का जो वक्त है वो यही है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, हम सबको एक होना चाहिए। आज उसी के नाते से मैंने आज यहाँ मदरसे का इनका स्कूल का दौरा किया और दौरा करने के बाद मैंने इनसे एक सवाल किया। मैंने कहा कि ये तो सब ठीक है कि ये मुझे बताइए कि हमारे जो इमाम हजरात हैं उनको आप क्या हदिया देते हैं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनके पास जाके यही बात करता हूं। तो तब मैं मिसाल के तौर पर अभी मैं के फादर्स के पास गया चर्च में, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो फादर होते हैं उनको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना देते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह से गुरुद्वारों के ग्रंथी को भी 1 लाख 2 लाख रुपए और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। यहूदियों के यहाँ सेनागॉग है उनको भी 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से देते हैं। इसी तरह से जैन के अंदर जैन के जो इमाम होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनके यहाँ तो बाजाबता इस बात का है कि ये जो मुंह से बोलते हैं वो होगा। इसी तरह से आप हिंदुओं के अंदर मठों में जाएं, मंदिरों में जाएं, वहां भी 1-1 लाख रुपया और तमाम फैसिलिटीज। आज मुझे इस बात का बहुत जब दुख होता है इस बात को सुनकर कि जो हिंदुस्तान में 5.5 लाख मस्जिदें हैं, उन 5.5 लाख मस्जिदों के अंदर इमाम है, नायब इमाम है, एक मौज़िन होता है, 3 लोग होते हैं, खादिम होता है। मस्जिद हमारा मरकज है, मस्जिद हमारी ऐसी जगह है जहां से हमारे सारे मामला चलते हैं, हम वो इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। इमाम जब हम पैदा होते हैं कान में अजान देता है, और जब हम इंतकाल कर जाते हैं हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाता है, जब हम निकाह करते हैं तो हमारा निकाह पढ़ाता है, हमारे सुख में दुख में इमाम खड़ा रहता है, रातों को तहज्जुद में उठकर हमारे लिए दुआएं करता है, हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसके पीछे हम जब ये कहते हैं कि उसको दर्जा देते हैं हम नायब रसूल का, हम इमाम को कहते हैं कि इमाम कम्युनिटी का लीडर होता है, इमाम के मायने ही अमीर के होते हैं, उसके बावजूद उनकी जो जरूरतें होती हैं उनको अगर आप सुन लें तो बहुत आपको हैरानी होगी। मुझे बहुत दुख लगता है इस बात को सुनने के बाद कि हमारे जो इमाम हैं, मस्जिदों के इमाम, जो उनको इस वक्त में 5,000, 6,000, 7,000 रुपया उनको हदिया दिया जाता है, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। इमाम मजलूम है, इमाम साबिर है, वो कभी आपसे नहीं कहेगा, लेकिन हमें इस बात का सोचना चाहिए कि इमामों के भी बच्चे हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, उनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। 24 घंटे मस्जिद में रहता है, कोई और काम नहीं कर पाता है। आज हमारी कौम का जो बदहाली है, जो परेशानियां हैं, अजाब आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको तलाश करना होगा, कहीं आपका इमाम दुखी तो नहीं है, कहीं आपका इमाम परेशान तो नहीं है, कहीं उसका सब्र तो आप पर नहीं टूट रहा, आपके इलाके पे तो नहीं टूट रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज सबसे पहले हमें बदलाव लाने के लिए इमामों को बेहतर बनाना होगा, इमामों को बेहतर बनाने के लिए उनके तमाम उनकी जरूरतों को ख्याल में करना होगा। उसके ध्यान में रखते हुए तमाम मुसलमानों से, तमाम मुतवलियों से, मैनेजिंग कमेटीज से, तमाम सारी दुनिया से जो इंतजामिया है उनसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने इमाम को हदिया कम से कम 50,000 रुपया आपका हदिया होना चाहिए, उसकी जो भी जरूरत है उसको पूरा होना चाहिए। आज मैं यहाँ बैठा था, आज यहाँ पर आने के बाद शेख मुर्तजा इन्होंने मुझे बताया कि आपके इमामों को क्या हदिया किस तरह से दिया जाता है। बेहतर उनकी खिदमत की जाती है, दीगर जितनी भी जरूरत है उसके ज्यादा की रूहानी दुआएं ऐसी हैं कि जो मिलता है उसमें बरकत के अब्बा खुल जाते हैं। माशाल्लाह, ये आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज बोरा कम्युनिटी, बोरा